और बात जरा कांग्रेस की। कांग्रेस में पंजाब को लेकर कलह का दौर नॉनस्टॉप जारी है। पंजाब के सीएम चन्नी, सिद्धू कैप्टन सब अपना अपना अब गुट थामे बैठे हैं। कैप्टन तो एकदम आगे बढ़कर नई सियासी पारी को टटोल रहे हैं, तो उधर सिद्धू शर्तों की खेप आलाकमान को भेज चुके हैं। चन्नी आलाकमान के भरोसे के बूते खुलकर सरकार चला रहे हैं, तो उधर कांग्रेसी अब जो है नेता वो खुलकर बगावत करते भी नजर आ रहे हैं। सिब्बल ने वो तमाम सवाल किए जो कांग्रेसियों को परेशान कर सकते हैं। पारदर्शी सारा कुछ। जेड़ा प्रधान होता है वो जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है। आप आओ बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट चैनल ने, ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीआं गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना ते हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह। सिब्बल ने कांग्रेस की अगुवाई पर सवाल क्या किए कि लड़ाई का नया चैप्टर खुल गया, घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए, नेताओं का पूरा जत्था आपस में जुबानी तलवार लहराने लगा। देयर इज नो प्रेसिडेंट सो वी डोंट नो हु इज टेकिंग दीज डिसीजंस, वी नो एंड येट वी डोंट नो। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया, वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। पार्टी में कौन अध्यक्ष है, सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष है? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया, बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया, बगैर यूथ कांग्रेस, NSUI, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।